जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिडकैप निफ्टी, ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस करेंगे 20 सितंबर 2024 के लिए। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे और कल जापान की सुबह मीटिंग है, उसमें वहां से आउटकम आएंगे कि रेट कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रेट कट नहीं, रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। अगर बढ़ाते हैं तो कल बाज़ार चला जाएगा ज़ोर से, और नहीं बढ़ाते हैं तो शायद बाज़ार एक बार ऊपर जाए, लेकिन सेल ऑन राइस रहेगा अपना। डाटा ये शो कर रहा है माइल नेगेटिव है, तो सेल ऑन राइस रहेगा। ये आज की समरी है। ट्रेड तो हम लोग ने अच्छा लिए थे, निफ्टी मिड के 32 रुपया में पकड़वा के दिए थे 13,150 का, तो 79 हुआ, तो मैंने बोला भाई बुक कर लो, 32 का 79-80 पकड़ लीजिए, बहुत हो गया। लेकिन 317 रुपया बिका वहाँ से। फिर निफ्टी लिया था 115 में बेचे, फिर निफ्टी 25,500 का पुट लिए थे 30 रुपये में 0-0, वो 80 रुपये में बिकवाए। बैंक निफ्टी जो कल लेके गए थे वो 49 में खुलते ही बेच दिए थे, तो वो लॉस हो गया अच्छा खासा 60 पॉइंट का। इसके बाद निफ्टी 24,300 का 76 रुपये में लिए थे। फिर निफ्टी 25,400 का 10 रुपये में लिए थे, वो 35 में बिकवाया। फिर निफ्टी 25,450 का कॉल दिलवाए थे 6.5 रुपये में, वो 0 हो गया। और निफ्टी 25,700 का कॉल लेकर आए 60 रुपया में, 63.25 रुपये क्लोजिंग दिया है, 50 का स्टॉप लॉस है। पहले 40 का दिया था लेकिन क्लोजिंग 69 का हुआ है, एवरेज में 63 दिया है, तो अगर 50 के नीचे हो तो निकल जाना है कोई भी हालत में। टोटल 6,008 रुपया जमा हुआ, इस हफ्ते का 13,502 रुपया जमा हुआ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कॉन्टेंट से आपको लर्निंग पर्पज में हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से जो नए जुड़े चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से अपलोड किए। आज FII ने इंडेक्स में 4,396 करोड़ का बाई किए और 5,320 करोड़ का सेल किए, नेट में 4,924 करोड़ का सेल किए। FII ने FNO स्टॉक्स में 3,392 करोड़ का बाई किए। FII ने केस में 2,548 करोड़ का सेल किए और DII ने 2,013 करोड़ का बाई किए। ये FII की इंडेक्स वाइज नेट पोजीशन है। FII ने इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स में 601 करोड़ का सेल किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 9,041 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 153 करोड़ का सेल किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में 5,679 करोड़ का सेल किए है, फिन निफ्टी में 1,952 करोड़ का बाई किया, फिन निफ्टी ऑप्शन में 2,309 करोड़ का सेल किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 188 करोड़ का सेल किए और मिड कैप निफ्टी ऑप्शन में 1,624 करोड़ का बाई किए। ये आज की डाटा शीट है और डाटा शीट में बेरिश बोल सकते हैं, लेकिन दोनों साइड डाटा बने हुए हैं, और अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और US 400 पॉइंट प्लस है, तो शायद गैप अप खुले तो आधा घंटे बाद अगर ऊपर का लेवल पे सस्टेन नहीं हो तो सेल ऑन राइस करना चाहिए कल मेरे हिसाब से, क्योंकि कल फ्राइडे भी है तो लोग सौदा लॉन्ग का लेके तो नहीं जाएंगे। बाकी जो भी होगा जैसे भी होगा अपडेट में लाइव मार्केट में दे दूँगा। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 13,135 के पास बेचिए, रेजिस्टेंस 13,200 का रहेगा, सपोर्ट 13,000 का रहेगा। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,150 का पुट वीकली वाला जहां कटे हुआ 60 के पास लीजिए, या तो वेट कीजिए, अगर हो सके तो आपको 40 में भी मिल सकता है, सपोर्ट नीचे में 30 है, और अगर 30 के पास मिले तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, रेजिस्टेंस ऊपर में 120 का। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 25,470 के नीचे सेल जोन में रहेगा, अगर गैप अप खुलता है तो हो सकता है 25,520-30 के पास खुले, तो वहाँ पर अगर ऊपर में सस्टेन नहीं करे तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हो, 25,615 का दूसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट फिर जो मिड पॉइंट है वो होगा पहला 25,470 और उसके और नीचे टूटे तो 25,325 और 325 टूटे तो 25,230 तक भी कल आ सकते। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 25,700 का कॉल वीकली वाला अबव 63 के ऊपर बाई जोन रहेगा, क्लोजिंग के ऊपर सपोर्ट 50 और 34, 50 हम लोग का सपोर्ट है 50 रुपये का, अगर वो 50 टूट जाए तो निकल जाना है, रेजिस्टेंस ऊपर में 80 और 100, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है तो इसमें कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता मुनाफा होगा, अगर 100 पॉइंट भी खुलता है तो 80-85 से ऊपर नहीं जाना चाहिए,
BTST हम लोग ये 60 रुपया में लेके आए थे। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 25,500 का पुट वीकली वाला जहाँ घटे वहाँ 80 के पास लीजिए, और अगर ज़्यादा गैप अप खुले तो वेट कीजिए, हो सके आपको 55 के पास मिल जाए और 35 का स्टॉप लॉस रहेगा। रईसन ऊपर में 104 और 150 तक भी जा सकता है। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट जहां बढ़े हुआ 53,310 के पास बेचना चाहिए। रईसन ऊपर में 53,580 है, सपोर्ट नीचे में 52,800। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 53,300 का पुट वीकली वाला जहां घटे वहां 200 के पास लीजिए। 170 और 140 दो सपोर्ट दिए हैं, तो जितना नीचे मिले ले सकते हो। रईसन ऊपर में 330-455। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट जहां बढ़े हुआ 24,490 के पास बेचना चाहिए। रईसन ऊपर में 25,550 का रहेगा, सपोर्ट 24,300 का। इंट्राडे फ्राइडे 20 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,500 का पुट है वीकली वाला जहां घटे वहां 72-60 के रेंज में लेना है, सपोर्ट 40 का रखिए। रईसन ऊपर में 101 और 101 के ऊपर चले तो 150 तक भी जा सकता है। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।